कटहरा स्टार समिति के तत्वाधान में मऊ रानीपुर के कटहरा में स्थित वीरांगना झलकारी बाई स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। डॉक्टर संदीप सरावगी को तिलक एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। यह टूर्नामेंट निवाड़ी और लिधौरा के मध्य खेला गया, जिसमें निवाड़ी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। टीम के कप्तान सचिन वर्मा के नेतृत्व में निवाड़ी टीम की ओपनिंग विक्रम और दीपू ने की, जिन्होंने क्रमशः 12 और 14 रन बनाए। इसके बाद सचिन वर्मा के 45 रन के सहारे टीम ने 151 रन बनाकर विपक्षी टीम को 16 ओवर में 152 रन का लक्ष्य दिया। उपेंद्र कुमार की कप्तानी में 152 का लक्ष्य पीछा करते हुए लिधौरा टीम 64 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 88 रनों से निवाड़ी ने विजय हासिल की। इस मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मैन ऑफ द मैच सचिन वर्मा को दिया गया। वहीं आयोजन समिति से सचिन वर्मा, अक्षय श्रीवास, अभिषेक सेन, कमेटी सदस्य सौरभ क्रोशिया, आकाश साहिल ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। मैच के दौरान संघर्ष सेवा समिति से संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, सुशांत गुप्ता, वसंत गुप्ता, राजू सेन, राकेश सहरवार आदि उपस्थित रहे। सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं और ये बात जो भाई साहब बोल रहे थे वो सत्य बात है कि हमारे कटेरा बहरा या हमारे परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह की कोई भी टेंशन हो तो झांसी SM कावज भवन लाभ करना एक छोटा सा ऑफिस है संघर्ष सेवा समिति के नाम। हमारे परिवार के लोग आपके बीच में रहे, भाई साहब है, नीरज है, बहुत सारे लोग हमारे परिवार के यहाँ बैठे हुए, किसी के साथ भी आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। कोई भी दुख और सुख में आपके परिवार के जो लोग साथ नवाते हैं, जैसे आपके पिता, आपके भाई, आपके परिवार के लोग, सिर्फ उसी तरह हम लोग भी आपके परिवार का हिस्सा है और आप हमारे परिवार, इसी तरीका से हमेशा योगदान मिलता रहेगा। और जो बच्चे यहाँ खेलने निवाड़ी से और लिधौरा से आए हुए हैं उन सबको हाथे करने शुभकामना देते हैं और वास्तविकता में इन छोटे भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि खेलों को तो खेलों के वास्तविकता में हिंदुस्तान में नाम हो जाएगा। भारत बस याद रखे कि हाँ निवाड़ी से आए, लिधौरा से आए। और बेटा छोटे बच्चे यहाँ पे जितने भी हैं उनसे भी निवेदन है कि पढ़ो तो ना पढ़ो कि वास्तविकता में आपके लगे कि हाँ आपके माँ बाप को लगे कि आपने इस देश के लिए कुछ किया। और यही सब लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से समाज सेवा का काम हम लोग कर रहे हैं उसके साथ लेकर चलो, आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलो तो आने वाले भविष्य में आपको किसी भी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपके लिए सुचिंता हो ना हो लेकिन संघर्ष सेवा समिति हमेशा आपके लिए परिवार की तरह रहेगी। मैं डॉक्टर संदीप सराहूंगी बंगला में पहले भी जैसे भाई साहब ने बताया कि कैंप लगा चुके हैं आंखों का, कई लोगों का इलाज करा है। इसी तरह जिंदगी में अगर आप लोग चाहो तो हर अच्छे और नैतिक काम जिससे आपके परिवार को कुछ फायदा हो सके, इस देश का फायदा हो सके, इस तरह के किसी भी काम के लिए हम हमेशा सब आपके साथ में और धन्यवाद करना चाहते हैं दोबारा यहाँ पे सभी छोटे बड़े भाइयों का। थैंक यू आप लोगों के निमंत्रण के लिए, प्यार के लिए, स्नेह के लिए। धन्यवाद। झांसी से UD News के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।